दोस्तों, आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है जो कि भारत के डिफेंस के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि बनेगी और भारतीय वायुसेना को एक ऐसी क्षमता प्रदान कर देगी जिससे भारतीय वायुसेना आसानी से चीन के ऊपर काउंटर अटैक कर सकती है। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना अपने H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा क्योंकि इस बॉम्बर के माध्यम से चाइना भारत के अंदर तक हमला कर सकता है। हालांकि इसके बारे में अमेरिका की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई थी कि यह बॉम्बर केवल दिखने में ही शेर है, असलियत में इस बॉम्बर में काफी ज्यादा कमियां हैं जिसको अमेरिका आसानी से काउंटर कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस बॉम्बर को कमजोर तो बता दिया है परंतु भारत के लिए यह अब भी बड़ा खतरा है क्योंकि हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और इसलिए भारत के वैज्ञानिक लगातार भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने बड़ा धमाका कर दिया है। दरअसल हमारे बेंगलुरु के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस है। इसकी तरफ से अपने FWD-200B नाम के UAV बॉम्बर को लॉन्च किया जा रहा है, वो भी कल के दिन। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, कल भारत की यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक ऐसे बॉम्बर को लॉन्च करने जा रही है जो कि इस कंपनी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा क्योंकि इस बॉम्बर को उड़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अनमैन बॉम्बर होगा और भारतीय वायुसेना को सेकंड अटैक की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, यानी दुश्मन देश के गढ़ में घुसकर हमला करने की क्षमता यह बॉम्बर भारत को प्रदान कर देगा। हालांकि इस बॉम्बर के बारे में ज्यादा जानकारी तो कंपनी ने नहीं दी है। कल यह बॉम्बर लॉन्च होगा, उसके बाद डिटेल यह कंपनी पूरी दुनिया के सामने रखेगी, परंतु एक बात इस कंपनी ने जरूर कहती है कि यह बॉम्बर भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम हथियार बनने वाला है।